लेट्स गो अक्रॉस टू डॉक्टर सुधीर ढोने। इस वक्त सुधीर ढोने साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। बोला नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं सर? कैसे हैं सब? ठीक है सर। कैसा चल रहा है सर? तीन चरण हो गए, चौथा सर, चौथा चरण हो गया चुनाव का। डॉक्टर सुधीर ढोने धकने जी बताएं सर। बस सर ठीक है सर, अब अच्छा चल रहा है। कितनी सीटें आ रही हैं सर? डॉक्टर साहब बताएं। देखिए ऐसा है सर कि आपको एक बात बताता हूँ कि अभी तो जब मोदी जी ने कहा है कि शरद पवार जी ने भी हमारे साथ आना चाहिए और उद्धव ठाकरे जी ने भी हमारे साथ आना चाहिए, तो जब उन्होंने बोले तो इसका मतलब समझ जाइए कि उनको मेजोरिटी नहीं मिल रही जी, ये इसका मतलब है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ऐसा कि उनको उनका जो एनडीए गठबंधन को मेजोरिटी नहीं मिल रही है और उनको शरद पवार जी की भी जरूरत पड़ेगी और उनको उद्धव ठाकरे जी की जरूरत पड़ेगी। जब उन्होंने बोला है मोदी जी ने कि भाई इन्होंने साथ में आना चाहिए, भविष्य में साथ में आ सकते हैं, वो तो बोल रहे हैं आपके साथ जाएंगे वो। उन्होंने तो बोला आपके साथ जाएंगे, ये थोड़ी बोला बीजेपी के साथ आएंगे। नहीं उन्होंने नहीं बोला, वो बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि इन्होंने साथ में आना चाहिए हमारे, इन्होंने शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे साहब ने हमारे साथ आना चाहिए जो बोल रहे हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं कि उनको 272 सीटें जो एनडीए को नहीं मिल रही। एनडीए को अमित शाह जी ने तो, अरे सर अमित शाह जी ने तो आज सुबह बोला है कि हमारी तो 272 आ गई, अब जो बाकी आएगी वो बोनस है, ऐसा बोला उन्होंने। वो तो कहते हैं कि चार चरण में हमारी 272 आ गई, ऐसा कहा उन्होंने। नहीं सर ऐसा है, उनको तो बोलना पड़ेगा। वैसा वो अगर बोलेंगे कि हमारी 100 सीटें आ रही तो बाकी भी सीटें हार जाएंगे, लोगों में उत्साह बढ़ाने के लिए, कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाने के लिए तो बोलना पड़ता है। ये तो ठीक है, बराबर बोले उन्होंने, वो उनके कार्यकर्ताओं के लिए है, वोटरों के लिए है, वो इसीलिए वो बोले उन्होंने। हालांकि वो परिस्थिति ऐसी नहीं है सर। आज एक हमारे पास बताता हूँ डॉक्टर ढोने, हमारे पास एक वो थे, am I pronouncing your name correctly sir? You are Dr. Sudhir Dhone, right? हाँ, Dr. Sudhir Dhone, DHONE, Dhone. DHONE, okay, Dhone. हाँ, DHONE. Right, thank you sir. तो सर ये बताएं, आज नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना नॉमिनेशन भरा, अपना नामांकन भरा वाराणसी से, उसमें एकनाथ शिंदे जी दिखाई दिए, उसमें प्रफुल्ल पटेल साहब दिखाई दिए, उसमें साउथ के कितने लोग थे वो दिखाई दिए, चंद्रबाबू नायडू भी थे, बहुत लोग थे, लेकिन उसमें हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब नहीं थे। ये क्या है सर, इसके पीछे क्या मिस्ट्री हो सकती है? अच्छा डॉक्टर ढोने, देखिए जो नरेंद्र मोदी जी है, जो कुछ लोगों को टालने की कोशिश करते हैं, उसमें वो डॉक्टर रमन सिंह हो गए, शिवराज सिंह हो गए, शिवराज चौहान, रमन सिंह, वसुंधरा राजे जी, और अभी फडणवीस जो है उन्होंने भी उनके पर काटे हैं, जो पहले सीएम थे उनको डिप्टी सीएम बनाया। आपको पता होगा वो रोए थे, खुद अखबारों में न्यूज आई थी कि वो रोए थे, उनका डिमोशन किया गया। तो ये जो बातें हैं वो सब उनके, अभी विनोद तावड़े जी को जो ऊपर महत्व दिया गया है, पंकजा मुंडे को दिया गया है, तो यही है कि उनको देवेंद्र फडणवीस जी को पीछे लाने का है, देवेंद्र फडणवीस जी का महत्व तो उनको कम करने का है, इसीलिए शायद उनको नहीं बुलाएगा। आपको आपकी जानकारी के लिए वो अयोध्या में जिस दिन 22 जनवरी को ये मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उस दिन भी देवेंद्र फडणवीस जी वहां नहीं गए। सुधीर जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि आई विल नॉट लेट एनीवन डिवाइड द कंट्री ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर मैं बांटने नहीं दूंगा इस देश को। उन्होंने कहा रिजर्वेशन बेस्ड ऑन रिलीजन इज नॉट अलाउड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कांग्रेस इज ट्राइंग टू एनफोर्स इट, और मैं जब तक हूं इस चीज को होने नहीं दूंगा, रिजर्वेशन ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन। उन्होंने कहा इवन नेहरू एंड अंबेडकर जी वॉज अगेंस्ट रिजर्वेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, बट दिस कांग्रेस वॉन्ट्स टू एनफोर्स इट। धोने साहब, मोदी जी का जो बयान है उसके लिए मुहावरा उनको परफेक्ट बैठता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये जो है कि मोदी जी खुद हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, भारत पाकिस्तान करते हैं, पाकिस्तान का क्या संबंध है इलेक्शन में, बीच बीच में पाकिस्तान को लाते हैं वो,
और हिंदू मुसलमान करते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बोलता है, जो बीजेपी के पक्के वोटर है हमको मिलते रहते हैं, हमारी बहुत बार बहस होती है, हम बोलते हैं आपकी बीजेपी की विचारधारा ऐसी है, बीजेपी ये गलत करती है, हमारी बहुत बहस होती है, लेकिन ऐसे मुझे कम से कम 8 से 10 लोग मिले जो पक्के बीजेपी के वोटर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से बोला है हिंदू मुसलमान किया है, हम नाराज हो गए। जो बीजेपी का पक्का वोटर है वो भी नाराज हो गया उनसे अभी, क्योंकि ये लोगों को अच्छा नहीं लग रहा कि भाई प्रधानमंत्री है, देश के सबसे ऊपर बैठे हुए है, बड़े पद पे, सबसे बड़े पद पे बैठे हुए, तो उन्होंने सबको साथ में लेकर चलना चाहिए। तो ये जो बात करते हिंदू मुसलमान, तो ये तो बहुत गलत बात है। ये बीजेपी का जो कोर हार्ड वो जो उनका वोटर है उसकी विचारधारा बन गई, ये गलत हो रहा है। बात है कि मोदी जी के भाषण में गलत हुआ है। दूसरी बात आपको बताता हूँ, हाँ हाँ बोलिए। उन्होंने हाईलाइट कर लिया कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहने, पाकिस्तान हैज नॉट वोर्न बैंगल, वो उनके पास एटम बॉम्ब है, वो ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप जाके कुछ भी करें, वो भी रिवोल्ट करेंगे, उनका भी अटैक होगा, रिटेलिएशन होगा। तो ये पाकिस्तान वाला मुद्दा मणिशंकर जी ने, मणिशंकर अय्यर जी ने, मणिशंकर अय्यर कौन से प्रवक्ता है, कौन से राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के, मणिशंकर अय्यर जी ने बोला, उनका खुद का मत है। देखिए आपको एक बात बोलता हूँ, कपिल सिब्बल जी जो कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने वो राम जन्मभूमि मस्जिद जो आंदोलन चला, तो मस्जिद ट्रस्ट की तरफ से उन्होंने वकील पत्र लिया था, तो वो जो बोलते थे वो वकील के नाते बोलते थे, तो उसको क्या किए बीजेपी वालों ने, देखो कांग्रेस क्या बोल रही, देखो कांग्रेस क्या बोल रही। वो उनके वकील थे मस्जिद ट्रस्ट के, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी जो भी उनका ट्रस्ट, उनके वकील थे, वो जो बात करते थे उनकी तरफ से बात करते थे, वो ऐसे कांग्रेस लीडर नहीं बोलते थे। अभी मणिशंकर अय्यर जी ने बोला है कि भाई परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, अगर वो किया तो वो भी करेंगे। बोलते बोलते उन्होंने कहा कि वो उन्होंने चूड़ियां नहीं पहनी, ठीक है, लेकिन वो भी बात उनकी गलत है, उन्होंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन डॉक्टर ढोले आप भी यही किया करते थे, आप ही से सीखा है बीजेपी ने। इंदिरा जी के कातिलों का जब केस लड़ा जा रहा था, सतवंत सिंह, बेअंत सिंह का, उनके वकील थे पीएन लेखी और राम जेठमलानी, पीएन लेखी साहब बीजेपी के थे, तो बार बार आप ही के लोग कहते थे कि देखो इंदिरा जी का कत्ल जिन्होंने किया उनका वकील कौन है, बीजेपी का पीएन लेखी, वो तो आप ही के लोग कहा करते थे। ऐसी बात नहीं है सर, तो हर पॉलिटिकल पार्टी यही करती है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। नहीं नहीं, मणिशंकर अय्यर जी का जो बयान है कांग्रेस पार्टी उसके समर्थन में नहीं है, वो उनका वैयक्तिक मत है। तो सर ये कांग्रेस के नेता कुछ बोलते जाएंगे तो उनकी पार्टी की भूमिका थोड़ी रहती है। जी दुरुस्त बात है, लेकिन अच्छा आप ये बताएं, लेकिन आपने हथियार तो दे दिए ना बीजेपी को, आपको अटैक करने के लिए। वो तो गलत लोग जो भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों में है गलत, मगर किस किस को रोकेंगे आप, किस किस को बोलेंगे, उनका पर्सनल ओपिनियन है। सैम पिट्रोडा, हमारे विजय विडेट्टीवार, फिर नाना पटोले जी, चरणजीत सिंह चन्नी, फिर आगे जाके अभी मणिशंकर अय्यर, अभी सिर्फ दिग्विजय सिंह बोलना बाकी है। आप सबको बोलते रहेंगे कि नहीं इनका पर्सनल ओपिनियन, ये सब दिग्गज नेता है कांग्रेस के। कांग्रेस का डिसिप्लिन में कुछ, ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन में कुछ खराबी है, कैसे देखते हो सुधीर जी आप इसको? नहीं, ऐसा है कि जो पत्रकार जाते हैं उनको पूछते हैं वो बोल देते हैं, वो खुद होके तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए नहीं लोगों ने, पत्रकार पूछते हैं। पत्रकार भी ऐसे हैं कि वो कुछ तो लोग उनसे अब बोलते हैं कि वो गोदी मीडिया, तो उस तरह का ये है उनका कि कुछ लोग जाते हैं वो पूछ लेते हैं और वो बराबर वो चलते रहता है, फिर इन्होंने ऐसा बोले उन्होंने वैसा है, वो ट्रैप में फंसाने की कोशिश करते हैं कांग्रेस को। ये बताएं, चलो ये तो हो गई बात, लेकिन ये बताएं कांग्रेस में बड़ा उत्साह है, बहुत उत्साहित है कांग्रेस अभी। मैंने इतना उत्साहित बड़े सालों में नहीं देखा, 2019 में नहीं थी, अभी आप लोग बहुत उत्साहित हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी, महाराष्ट्र में बहुत अच्छी रहेगी, तमिलनाडु में भी आपने अच्छा किया है, केरल में भी अच्छा किया है, ऐसा आप बोल रहे हैं, तेलंगाना की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी, कर्नाटक की भी बहुत बढ़िया रहेगी, और महाराष्ट्र तो चलो सोने पे सुहागा। ये कहा जा रहा है कि रायबरेली से जो राहुल गांधी जी खड़े हुए हैं और किशोरी लाल शर्मा जी जो अमेठी से खड़े हुए हैं, ये भी आज की तारीख में बड़ी जगह पर हवा है कि किशोरी लाल शर्मा जी जीत सकते हैं अमेठी से। हाँ बिल्कुल, ऐसा है क्या? जीतेंगे, वो 83 से वहां पे काम कर रहे हैं, वहीं पे रहते हैं, जीतेंगे, पक्का जीतेंगे, 40 साल से काम कर रहे हैं वहां पे, 40 साल से जी वहीं पे रहते हैं। उन्होंने कई लोगों को जिताया, उन्होंने कैप्टन सतीश शर्मा जी के वक्त काम किया, उन्होंने सोनिया जी के वक्त काम किया, उन्होंने राजीव गांधी जी के वक्त
भी काम किया, हर वक्त उन्होंने काम किया है, तो उनको पूरा अभ्यास है, तो बराबर जीत जाएंगे। आपके मुताबिक जीतेंगे किशोरीलाल शर्मा जी, मतलब स्मृति ईरानी जी के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है इस बार, हार जाएगी पिछले बार थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़े ओवर कॉन्फिडेंस में गए राहुल जी की, भाई ये तो अपने पारंपरिक सीटें, तो थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा होगा, इसीलिए थोड़ी ये हुई। और बीजेपी ने तैयारी कर ली थी, 5 साल पहले भी हारी थी स्मृति ईरानी जी, तो उन्होंने 5 साल मेहनत किए, तो होते रहता है। लेकिन पिछली बार तो आप अपनी गलती की वजह से हारे, भारतीय जनता पार्टी ने 12 इंडिपेंडेंट खड़े कर दिए थे, उन्होंने 72,000 वोट ले लिए और राहुल गांधी जी 55,000 वोट से हारे थे। अगर आप तो हारने का सवाल ही नहीं होता था, और कॉन्फिडेंस बात रहती है, ऐसा लगता है कि अपना गढ़ है। 17 सीट जो है, जिस जो आप 17 सीटें लड़ रहे हैं सर, आपका आपका फ्रेम बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, उसको चेंज मत करिए सर, बहुत बढ़िया लग रहे हैं आप, बिल्कुल हीरो लग रहे हैं, फर्स्ट क्लास बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अभी आप शूटिंग के लिए जाएंगे, फर्स्ट क्लास। थैंक यू। अच्छा सर ये बताएं कि 17 सीटों में उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आ रही हैं सर आपको, आप 17 में लड़ रहे हैं 17 में, हाँ। तो यूपी में कितनी सीटें आ रही हैं सर? 17 में से ऐसा मैंने सुना है 10 सीटों पे तो भी कांग्रेस की उम्मीदें दिख रही है कि जहां पे लड़त में है, उम्मीद है कि 10 सीटें आ सकती है। इसके पहले भी देखिए कांग्रेस की 21 सीटें आई थी यूपी में, 21 सीटें आई थी, ये 2009 की बात है, 21 सीटें आई, 2009 की बराबर 21 सीटें आपकी आई थी। जो आपके मुताबिक 2004 और 2009 वापस आ रहा है आपके, सर पक्का है। लेकिन मोदी जी ने तो आज कहा है, इंडिया टुडे को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि आप अपना खाता भी नहीं खोलेंगे उत्तर प्रदेश में, यानी राहुल गांधी भी हार रहे हैं रायबरेली से, ऐसा मोदी जी ने कहा है। किसने बोला ऐसा? नरेंद्र मोदी जी ने। नहीं नहीं ठीक है ना, वो तो बोलेंगे ना, उनका क्या गलत है, उनका बोलना सही है, इसलिए सही है कि उनको कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना है, उत्तर प्रदेश के लोगों को बताना है कि पूरे सीट आप जीत रहे हैं, वो बोलेंगे नहीं तो कैसा उनका माहौल बनेगा, उनका माहौल खराब हो गया है। सुधीर जी, तो माहौल सुधीर जी के लिए बोल रहे हो, एक्सप्लेन किया, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि यूपी के जो इलेक्टोरेट है उन्होंने परिवादवाद को निगलेक्ट साइडलाइन किया, बोले परिवादवाद को हम सपोर्ट नहीं करेंगे यूपी के इलेक्टोरेट, और खास करके राहुल जी का उन्होंने कहा, राहुल गांधी जी अमेठी हारना जीतना बोले ठीक है, मगर हारने के बाद एक भी बार राहुल गांधी जी वापस अमेठी गए नहीं, ही नेवर वेंट टू अमेठी, लूजिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम बट यू नीड टू वर्क, वर्क का कल्चर नहीं है, आप परिवादवाद में विश्वास करते हो कि परिवार के लोग हैं जीत के आएंगे, अपने आप जीत के आएंगे, बोले काम करने की जरूरत है, और ये कांग्रेस में थोड़ा खामियां है जो काम नहीं करते। सुधीर जी ऐसा है, राहुल गांधी जी की इतनी मेहनत तो हिंदुस्तान में कोई भी नेता नहीं कर रहा, वो कितना पैदल घूमे, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, भारत न्याय यात्रा निकाली, और पूरे ईमानदारी से बात करते, किसी के सामने झुकते नहीं है, 56 इंची सीना जिसको बोलेंगे वो राहुल गांधी जी का है, तो वो बेबाक तरीके से बात करते हैं, डरते नहीं है, तो अब राहुल गांधी जी अमेठी नहीं गई है, देखिए मोदी जी है ना झूठ बोलते हैं, अब इलेक्शन में झूठ बोलना तो ठीक है उनका, लेकिन वो वैसे भी झूठ ही बोलते हैं, कई बार देखिए उसके तो कई सोशल मीडिया पर चलते रहता है कि मोदी जी ने ऐसा बोला, देखो ये झूठ है, देखो मोदी जी ने ऐसा बोला, देखो ये झूठ है, तो वो तो चलते रहता है। और देखिए ये हालत में तो मोदी जी ने कुछ भी बोला तो लोग समझ जा रहे हैं कि भाई ये इलेक्शन का माहौल है इसीलिए बोल रहे हैं। हाथ बदलेगा हालात, राहुल गांधी जी का कांग्रेस का स्लोगन, हाथ बदलेगा हालात, और आपने राहुल गांधी जी ने हाईलाइट कर दिया कि संविधान को बचाना है, संविधान को बचाना है, बेरोजगारी का जवाब वोट से दो, दो चीज उन्होंने हाईलाइट कर दिया। मगर मोदी जी का कहना है कि ये जो संविधान है मेरे लिए धर्म ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, इसको मैं किसी को बांटने नहीं दूंगा, आई विल नॉट अलाउ The division of the constitution is very dear to me. मेरे लिए धर्म ग्रंथ है। तो what is it? मोदी जी सही है कि राहुल गांधी क्या लोग समझे? मोदी जी धर्म ग्रंथ की बात करते हैं और संविधान का पूरा जो है दुरुपयोग करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। जो जिन पे आरोप करते, भोपाल में आरोप किया कि राष्ट्रवादी नेचुरल करप्ट पार्टी है और इनको एक मोदी की गारंटी है कि मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, 3 दिन के बाद उनको साथ में लिया, डिप्टी सीएम बना दिया। तो मोदी जी जो है ना वो
संविधान का जो पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके सांसद ने कहा है कि हमको संविधान बदलना है तो हमको 400 सीटें दे दीजिए, तो उनके बाद हम संविधान बदल देंगे। तो ये जो बोलते धर्म ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ का लोग पालन करते हैं, उसमें पवित्रता रखते हैं और उनकी धर्म ग्रंथ की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन मोदी जी तो पूरे धज्जा उड़ा रहे, पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं। अभी इलेक्शन कमीशन भी उन्होंने चेंज कर दिया, ये लोग रहेंगे, विरोधी पार्टी का नेता नहीं रहेंगे, सब बातें उन्होंने अपने मन से कर लिए। आज ऐसा है कि जो पार्टी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार उसके संस्थापक अध्यक्ष है, वो जीवित है, फिर भी वो पार्टी अजित पवार को दे दिए। उसके बाद वो इनके उद्धव ठाकरे जी की पार्टी शिंदे जी को दे दिए। ये सब कौन कर रहा है? ये मोदी जी के कहने पे हो रहा है। और एकनाथ शिंदे जी ने बोला है कि उन्होंने कबूल ही किया है कि हमको मोदी जी ने हमको दिया है ये, उन्होंने ऐसा नहीं बोला इलेक्शन कमीशन ने दिया है, उन्होंने बोले कि हमने ये किया, बंड किया, ऐसा किया, हमने बगावत किया और बाद में हमने जो भी बोला था और बीजेपी ने आखिरी हमको जो शब्द दिया था वो किया और शिवसेना हमको दे दी, ये एकनाथ शिंदे जी ने बोला है। तो ये जो दुरुपयोग हो रहा है संविधान का, तो संविधान के दायरे में रह के भी वो दुरुपयोग कर रहे हैं, और उनकी तो इच्छा है कि संविधान खत्म ही कर देना चाहिए। सुधीर जी, है सुधीर जी, आप बार बार कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान को बचाना है राहुल गांधी जी, मगर मोदी जी का कहना है, मोदी जी तीन चार उन्होंने उदाहरण दिए, बोले नेहरू रेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम ऑफ स्पीच, नेहरू जी ने फ्रीडम ऑफ स्पीच पर पाबंदी लाया, इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी जिस प्रकार से लाया और पूरे देश और दुनिया देखे, राजीव गांधी अगेन वांटेड टू कर्व प्रेस फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम को राजीव गांधी कर्व करना चाह, और राहुल गांधी जी ने बोले भले पार्लियामेंट में वो बिल को फाड़ के उन्होंने दिखाया कि वो संविधान को मानते नहीं है, बिकॉज जो कैबिनेट ने पास कर दिया उस बिल को उन्होंने फाड़ दिया। तो सब जगह वॉयलेशन आपके माध्यम से हुआ है, मोदी जी का कहना उदाहरण देते हुए। अभी अभी आपको एक बात बताता हूँ, हेलो जी, आवाज आ रही है? देखिए राहुल गांधी जी की जो बात करे कि उन्होंने जो कागज फाड़ दिया वो क्या था, उसमें था कि 2 साल के ऊपर जिसको सजा हो गई या सजा होने का जो ऐसी सजा है कि 2 साल के ऊपर उनको सजा हो सकती या हो गई सजा, तो ऐसे केस में उसकी जो संसद की या विधानसभा की सदस्यता खत्म हो जाएगी, ये वो बिल था। तो ये वो था कि भाई उसके पहले अगर रहा तो उनको लगा कि ये जो है ये बिल बराबर नहीं है, जिसकी सदस्यता जो गुनहगार है उसकी सदस्यता खत्म होनी चाहिए उसके 2 साल के लिए क्यों। तो राहुल गांधी का जो था बराबर था कि उन्होंने वो ये ऐसा गुनहगारों को बचाने के लिए क्यों काम कर रहे हैं आप, वो पहले 2 साल के कम था, उन्होंने उसको ऑब्जेक्शन लिया कि गलत है, डिसीजन गवर्नमेंट का था सर, कांग्रेस सरकार का था। एक चीज है सर, चलिए ठीक है, ये तो एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हैं, लेकिन हाँ, वो एक कैबिनेट रेजोल्यूशन था, कैबिनेट रेजोल्यूशन पास जब होता है उसकी एक महत्ता होती है। राहुल गांधी जी अलग से बैठ करके, सर राहुल गांधी जी अलग से बैठ करके डॉक्टर साहब से, डॉक्टर मनमोहन सिंह से डिस्कस भी कर सकते थे, उनकी बात को कौन टालता, उनकी माता जी सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन थी यूपीए की, उनसे बात कर सकते थे। इस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंडरमाइन करना, ये कहां तक ठीक है सर, आप बताएं सर। नहीं वो हाँ ठीक है, ऐसा है जी, बोलिए सर, बोलिए बोलिए। नहीं ये जो मनमोहन सिंह के बारे में जो इतने प्रेम जताते हैं भाजपा वाले कि भाई उन्होंने मनमोहन सिंह जी का अपमान किया, ये तो मैं जता रहा हूँ, वो नहीं जता रहे, ये तो मैं जता रहा हूँ। नहीं नहीं ठीक है, आप जता रहे वो तो ठीक है, वो रिस्पेक्टेबल पर्सन है, पूरे दुनिया उनको मानती है सर, हम तो मानते हैं, नहीं पूरे दुनिया मानती है। वो अर्थशास्त्री है जिन्होंने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को बचा के रखा और उनको अभी तक क्रेडिट नहीं मिला पूरा। लेट्स बी वेरी क्लियर। देखिए मैंने देखिए बराक ओबामा जो है उनके सामने हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, एज ए स्टूडेंट के जैसे खड़े हो जाते हैं, इतनी इज्जत करते हैं वो लोग जी, पूरी दुनिया इज्जत करते हैं, इंग्लैंड में उनके नाम से फेलोशिप है जी, है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मनमोहन सिंह जी के नाम से है, और कांग्रेस ने तो इनका इतना सम्मान किया, उनको 2 बार प्रधानमंत्री बनाया, सोनिया गांधी जी ने बनाया, कांग्रेस ने बनाया, और वो चाहती तो खुद बन सकती थी, सब कांग्रेस के लोगों ने बोला था। तो मनमोहन सिंह का जो सम्मान सब कांग्रेस के लोग करते हैं, राहुल जी भी करते हैं, वो जो बात थी उनको नहीं पसंद आई कि भाई ये डिसीजन गलत हुआ अपने सरकार का डिसीजन। तो मतलब कहने का आपका ये कि राहुल गांधी जी कभी एडमिट नहीं करेंगे जो उन्होंने कागज फाड़ा वो ठीक नहीं था,
मुझे ऐसा लगता है कि देखिए देखिए सुनिए, उस पे वो कागज फाड़ने के इस पे खाली कागज था, खाली कागज था। आप उनका रवैया आप बोल सकते सही है गलत हो, इस पे डिबेट कर सकते, लेकिन उनका जो उद्देश्य था वो गलत नहीं था, वो गलत डिसीजन था। उनको लगा कि गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए। और ये तो अच्छा, इससे आगे बढ़ते हैं सर, चलते चलते अभी आप ये भी बता दें कि वास्तविकता में आपकी जो कैंपेन है वो सफल होगी या फेल होगी, दोनों में से एक चीज है, या आई यू विल बी सक्सेसफुल और यू विल फेल। लंगली ऑन, पूरी बात सुन ले सर, कि आपने अपने वादे जो किए कर्नाटक में, तेलंगाना में और हिमाचल प्रदेश में, जहां जहां पर आपकी सरकार है वहां पर क्या अपने वादे आपने पूरे किए? अगर वहां आपने अपने वादे पूरे किए हैं तो लोग आपको वोट देंगे, और अगर आपने वादे पूरे नहीं किए तो वोट आपको नहीं मिलेंगे। आप बताएं सर, क्या आपने अपने वादे पूरे किए? तो देखिए, वादे पूरे करने के लिए जो है, वादे पूरे करने के लिए पैसे की जरूरत रहती है सरकार, रहती है बराबर है, बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा खर्चा आता है सैलरी पे जी। तो कांग्रेस के सरकार ने तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, कहा है कि हमारी सरकार आती है हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। तो कांग्रेस के सरकार ने तो सब जगह पे ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है, और बीजेपी की जहां जहां सरकार है वहां पे उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं की है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पेंशन को, ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म किया था, लेकिन कांग्रेस दे रही है जहां भी सरकार। अब इतना बड़ा जो है वो देने को तैयार है, इतना बड़ा जो है पैसे वो देने को तैयार है और खर्चा करने को तैयार है, तो बाकी चीजें तो उसकी तुलना में कम है तो करेगी, पक्का करते हैं। ऐसा तो कोई हुआ नहीं कि कांग्रेस ने बोला था और हुआ नहीं, ऐसा तो कभी होता नहीं, क्योंकि बार बार बीजेपी यही कह रही है। आईटी का जो है किसने लाया, सोनिया जी ने बोला था आईटी लाओ, राइट टू एजुकेशन, उसमें भी सरकार पैसे भरती है गरीब बच्चों को पढ़ाने का, तो वो भी चालू है स्कीम, वो तो ऐसा देखिए सर, इसके ऊपर आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और गरीबों के हितों की रक्षा करती है सर। इसको इसके ऊपर आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, आपने जो सबसे बड़ी चीज जो आप लाए मेरी समझ में, वो था आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। और राइट टू इंफॉर्मेशन अब तकरीबन नॉन एग्जिस्टेंट है। आरटीआई एक्ट में ज्यादातर यही आता है कि भाई हम आपको ये नहीं बता सकते, सीधी बात है। तो मुझे ऐसा लगता है आपको जरा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस पे। राइट टू एजुकेशन वॉज मेड अ फंडामेंटल राइट बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट, इसकी आपको ज्यादा पब्लिसिटी करनी पड़ेगी ना सर, कि आप लोगों ने ये सब किया है। नहीं बराबर, तो बीजेपी तो बीजेपी तो आपकी तारीफ नहीं करने वाली। नहीं जी डॉक्टर ढोने बताए, आप जैसे लोग मौका देते हैं, आपका चैनल है मौका देता है तो हम बात रख सकते हैं, बाकी कहा चैनल वाले कहा बुलाते हैं, वो तो बस वो चैनल तो छोड़ दीजिए, वो तो बुलाने का छोड़ दीजिए, उनके जो एंकर है और वहां बैठे हुए जो लोग है वो खुद ही भाजपा के नेता बन चुके हैं, वो कहा निष्पक्ष रह गए। अब बहुत बुरी बात है, सब मीडिया उन्होंने खरीद लिया, अब क्या है सोशल मीडिया एक बचा है, और आप जैसे नेशन नाउ जैसे लोग है जो मौका देते हैं बात करने की, एक चैनल है नेशन नाउ जैसा, वही हमारे लिए बस एक आधार बन गया है कि ये लोगों की वजह से हम हमारी बात जनता तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी प्रशंसा करने के लिए। बट डू यू थिंक दैट जो गरीब कल्याण स्कीम्स जो बार बार मोदी जी जो लाभार्थियों को गिनाते हैं कि यू नो पीएम किसान सम्मान, 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन, प्रिय प्रधानमंत्री आवास योजना, 4 करोड़ घर, उज्ज्वला 11 करोड़ लाभार्थी, आयुष्मान करीबन 10.5 करोड़ लाभार्थी, हर घर नल से जल 11 करोड़ के आसपास, हर घर शौचालय करीबन 12-13 करोड़ लाभार्थी, तो ये क्या आप ये चैलेंज कर पाएंगे रिपोर्ट कार्ड जो मोदी जी के हैं गरीब कल्याण स्कीम्स का? डॉक्टर जो देखिए, उन्होंने जो उज्ज्वला गैस दिया है गरीबों को, पहले दे दिया है, बाद में 400 का सिलेंडर 1100 दे दिया है, क्या फायदा हो रहा है इसका? एक बार दे दिया, बाद में कुछ उसका यूज ही नहीं कर पा रहे लोग, कहां से खरीदेंगे 400 का सिलेंडर 1100 रुपए में? किसानों के जो है उनकी सब सब्सिडी खत्म कर दिए और कुछ भी नहीं आया, अरे उनको महंगाई बढ़ गई, सब इसके जो डीजल के पेट्रोल के रेट बढ़ गए, इसके लिए उनकी खेती के जो ये ट्रैक्टर चलाने का यूरिया का भी रेट बढ़ गया, यूरिया का रेट बढ़ गया, खाद का रेट बढ़ गया,
सबसे बढ़ गया तो क्या फायदा हो रहा किसानों को। देखिए सुनिए, ये जो बातें हैं गरीब कल्याण की बातें से बोलते हैं, लेकिन अब क्यों बोल रहे हो पाकिस्तान हिंदू मुसलमान, उनको लग रहा है कि ये जन कल्याण की वो तो कहते हैं मैंने बोला ही नहीं। वो मोदी जी तो कहते हैं मैंने बोला ही नहीं कभी हिंदू मुस्लिम, मैंने तो कभी किया ही नहीं, ये तो आप लोग कर रहे हैं। नहीं नहीं सर बोला उन्होंने, आज जो इंटरव्यू उन्होंने दिया बनारस में, बनारस के घाट जो है बड़े खूबसूरत लग रहे थे उस इंटरव्यू में, हम तो वही देख रहे थे। उन्होंने कहा हमने तो आज तक कभी हिंदू मुसलमान किया ही नहीं अपनी लाइफ में, ऐसा बोला ना। मैं कभी मुसलमान के खिलाफ हूँ ना कोई इस्लाम के खिलाफ हूँ, ऐसा बोला है सर उन्होंने डॉक्टर ढोने। वो बोलते नहीं, बोलते हैं लेकिन वो जब मौका आता है तो बात कर लेते हैं। आप क्या अच्छा चलते चलते बात किए, अच्छा डॉक्टर सुधीर ढोने, हाँ हाँ आप चलते चलते एक छोटी सी बात हमें बता दें सर, दिल की बात, दिल से पूछ रहा हूँ आपसे व्यक्तिगत बात। हाँ हाँ सर, क्या आप हिंदू माताएं और बहनों का मंगल सूत्र चुरा करके मुसलमानों को देने वाले? सब गलत बात है, मोदी ने कहा है। ये देखिए सुनिए, ये जो मुद्दा आया आपका मंगल सूत्र दे देंगे ये वो, ये बात ये दिशा ये दिखाता है कि बीजेपी हार रही है। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, 2017 से पहले जो बिहार का इलेक्शन हुआ था तो मोदी जी का भाषण सुन रहा था मैं, तो उन्होंने बोले थे कि अगर यहाँ पे बिहार में अगर बीजेपी हार जाती है तो पाकिस्तान में फटाके फूटेंगे। तो मैंने मेरे दोस्तों को बोला कि बीजेपी हार रही है बीजेपी हार रही है। मोदी जी को देखिए, एक बात तो बोलता हूँ मैं आपको, मोदी जी जो है वो जमीन से जुड़े हुए नेता है, मोदी जी जमीन से जुड़े हुए नेता है, और उनको पब्लिक के दिल में क्या है ये उनको मालूम रहता है क्या चल रहा है, और उनका इंटेलिजेंस भी बहुत मजबूत है। तो जब मैंने देखा कि उन्होंने बोला है कि अभी ऐसा होने वाला है बिहार हमने बीजेपी हार गई तो वहां पटाखे फूटेंगे, तो मैंने बोला उनको खबर लग गई, एक बार पटाखे फूटने वाले खबर नहीं लगेंगी, लेकिन मोदी जी को खबर लग जाती है कि अपनी क्या पोजीशन है, उनको खबर लग गई थी कि अपन हार रहे हैं। तो अभी भी वैसे हुआ ना, मंगल सूत्र की क्या बात कर रहे हैं आप बात करो विकास की, आप जो बोल रहे हैं गरीब की गरीब कल्याण की योजना वो बनाओ आप और उस बेस पे वोट मांगो तो वो अच्छा रहेगा, लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तान की बात करते हैं, वो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, तो ये बात ये दर्शाती है कि बीजेपी हार रही है चुनाव। डॉक्टर सुधीर ढोने बचाने का एक ही रहता है जी। इस बार कोई खुलो, हाँ बोलिए 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 सर, खत्म कीजिए बोलिए। नहीं ऐसा है कि जो मौके वो हमेशा ढूंढते रहते हैं, और मंदिर का जो मुद्दा है राम मंदिर का, तो वो उस दिन जो जोश था 22 जनवरी को, सब हिंदू लोग उसमें थे, कांग्रेस वाले भी थे, समाजवादी वाले भी थे, बीएसपी वाले थे, सब लोगों ने उत्साह से उसमें सहयोग लिया था, लेकिन अभी ये इलेक्शन के दौरान तो उसका कुछ जिक्र नहीं हो रहा, तो मोदी जी को अभी ये निकालना पड़ रहा कि सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्योंकि आपने राम मंदिर का जिक्र किया है इसलिए आपको जय सिया राम और हर हर महादेव। नहीं हम तो जय सिया राम बोलते हैं, हम राम राम बोलते हैं जी, राम राम जय श्री राम जो है बोलते ना, जय श्री राम। नहीं सर जय सिया राम, आजकल है ना ऐसे पॉलिटिकल नारे की जैसा हो गया, जय सिया राम, सिया राम, जय मां सीता के बिना राम नहीं है सर, जय सिया राम। हां बिल्कुल जय सिया राम, जय सिया राम। नमस्कार सर, ऑल द वेरी बेस्ट। नमस्कार, मजा आता है आपसे बात करके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू डॉक्टर ढोने, कभी जब मुंबई आए तो प्लीज मिलिए, थैंक यू सर। हां बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है। चलिए सर प्रदीप जी, यस एटलीस्ट डॉक्टर सुधीर ढोने वो शख्सियत हैं जिन्होंने माना तो सही कि हमारे चैनल पे आकर के मौका मिलता है बात करने का, बाकी चैनल पे तो मिलता ही नहीं मौका, सीधी बात है। बट दैट इज बाय द वे ट्रू, आई डोंट नो व्हाई पीपल जस्ट कॉल पीपल एंड देन दे स्टार्ट टू लेक्चर देम। हाँ अगर कोई बहुत ही गलत बात बोल रहा है, फैक्चुअली कोई गलत बात बोल रहा है, उसको अगर आपको मतलब करेक्ट करना फिर अलग बात है, मतलब झूठ, दे आर वर्चुअली द बीजेपी रिप्रेजेंटेटिव इन द डिबेट, which is very sad. I mean, I don't know why. So you got two people, one the anchor and one the BJP spokesman. And one political analyst who is also from the BJP.